हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर वन चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में। दोस्तों, अगर आप चावल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि चावल को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है और कौन कौन सी क्वालिटी एक्सपोर्ट की जाती है, कौन से देशों में की जाती है, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ। आम तौर पर ऐसा होता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होती। तो चावल के बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहे। चलिए बात करते हैं चावल की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इंडिया एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। लगभग मान के चलिए 40% जो वर्ल्ड चावल खा रहा है वो इंडिया ही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये माइंड से टेंशन हटा दीजिए कि आपको इसकी क्वांटिटी का ऑर्डर नहीं मिलेगा, अच्छी खासी क्वांटिटी का ऑर्डर मिलेगा। और एक बात जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा, वो ये कि ओवरऑल इंडिया के पास 6000 चावल की क्वालिटी है, यानी 6000 किस्मों का चावल इंडिया के पास है। तो यानी भाई, अगर बायर हमारे पास आता है और कोई भी क्वालिटी मांगेगा तो हम उठाएंगे, खरीदेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। अब सबसे पहले एक चीज और बताता हूं, सबसे ज्यादा कॉमन क्वांटिटी और कॉमन क्वालिटी चावलों में कौन सी है। मतलब अगर एक क्वांटिटी की बात करूं तो एक कंटेनर का मिनिमम ऑर्डर, कॉमन क्वांटिटी मैंने इसलिए बोला कि मिनिमम एक कंटेनर का ऑर्डर तो ऐसे ही मजे में आ जाता है कि मैंने बायर को क्या कहते हैं कोई मेल किया या बाहर से कहीं से कांटेक्ट हुआ तो बायर ने सीधा एक कंटेनर का मुझे ऑर्डर दे दिया। अब उस एक कंटेनर में भी मान के चलिए लगभग 27 टन चावल चला जाता है। 25-25 किलो के बैग होते हैं जिसमें लगभग अगर 20 फुट कंटेनर की बात करें तो लगभग लोग 27 टन के आसपास माल भेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मान के चलिए 20 से 27 टन आपको क्वांटिटी अरेंज करके रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि कॉमन क्वांटिटी के ऑर्डर की, अब बात करते हैं कॉमन क्वालिटी की, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन सी क्वालिटी के चावल का आता है। चलिए बात करते हैं क्वालिटी की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे कॉमन क्वालिटी की तो उसमें बासमती चावल सबसे ज्यादा फेमस है और बासमती में 11-21 नंबर सबसे ज्यादा फेमस है। 11-21 की डिमांड वर्ल्ड वाइड से आती है। तो अगर आपको आसान तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है या चावलों का एक्सपोर्ट करना है तो ये 11-21 पे अपनी पकड़ बना लीजिए। नॉर्मल बासमती भी बिकता है और आपको बताऊं, बासमती में लगभग 34 वेराइटीज हैं जिनके ऑर्डर आपको आएंगे। और एक नॉन बासमती चावल है IR64, तो इसका भी आपको ऑर्डर मिलेगा, यानी मिलेगा तो कंटेनर के हिसाब से ही मिलेगा। एक्चुअली क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो लोग चावल का काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट में सर स्टार्ट करना है, बट चावल क्या है कि चावल का मैक्सिमम अमाउंट का ऑर्डर ज़्यादा आसानी से आता है, मिनिमम अमाउंट का ऑर्डर थोड़ा सा समय लेता है। ऐसी बात नहीं है आता नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन से देश हैं, कैसे ये काम मुझे करना है, कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बासमती राइस की, और बासमती राइस की जो 34 वैरायटीज है उनमें से कुछ वैरायटीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। जैसे एक है बासमती 217 नंबर, ये एक अच्छी वैरायटी है जो एक्सपोर्ट की जाती है। फिर है बासमती 370 नंबर, फिर है पूसा बासमती, फिर है कस्तूरी, उसके बाद है हरियाणा बासमती, उसके बाद है रणबीर बासमती, उसके बाद है बासमती 386 यानी 386, उसके बाद है पूसा 1460, उसके बाद है पूसा 1401, उसके बाद है बासमती 564, उसके बाद है पूसा 1609,
उसके बाद है पूसा 1637, फिर एक बार पूसा 1728, फिर एक बार पूसा 1718, फिर पूसा 1692 और फिर पूसा सिर्फ नंबर 5 और उसके बाद हरियाणा बासमती नंबर 2। दोस्तों अगर हम बात करें कि बासमती चावल कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है जहां से आपको अच्छे रेट पे मिलेगा, तो आपको अगर बासमती चावल चाहिए तो उत्तर प्रदेश से आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा, हरियाणा से आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा, उत्तरांचल से आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा, पंजाब से आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा, और अगर आप नॉन बासमती में डील करते हैं तो वो आपको आसाम से अच्छे रेट पे मिल जाएगा, बिहार से अच्छे रेट पे मिल जाएगा और उड़ीसा से आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए मुझे किसी एग्जीबिशन या किसी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेरे लिए कौन कौन से हैं। दोस्तों अगर इंडिया में बात करो, अगर आप इंडिया में एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड फेयर लगता है आहार, जो कि दिल्ली में लगता है। मैं इसीलिए आप सबको बोलता हूं कि आइए दिल्ली से हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग लीजिए और जो भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगेगा दिल्ली में हम उसकी आपको विजिट भी साथ कराएंगे, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, आपको गाइड करूंगा, एक एक चीज की नॉलेज दूंगा, ऑन फील्ड ट्रेनिंग आपको वहां पे मिलेगी। और इसके बाद अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में है अन्नपूर्णा, तो अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो मुंबई के ट्रेड फेयर आप अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एग्जीबिशन की, तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में गल्फ फूड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि दुबई में होता है, एक जर्मनी में होता है जिसका काफी नाम चल रहा है आजकल, वो है अनुगा, ANUGA करके। तो दोस्तों अगर आप एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने मेजर जो क्वालिटी थी जो एक्सपोर्ट होती है, इनके अलावा और कौन कौन सी क्वालिटी की और या और कौन कौन से चावलों की डिमांड रहती है इंटरनेशनल मार्केट में। बात करते हैं सबसे पहले ब्राउन राइस की भी बहुत अच्छी डिमांड आ रही है दोस्तों, तो अगर आप राइस में काम करना चाहते हैं तो ब्राउन राइस में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोगरा राइस की, तो मोगरा राइस में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। एक राइस और है दोस्तों बैम्बू राइस, तो इसमें इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। ब्लैक राइस की बात करूं, ऑलरेडी इस पे बहुत से वीडियो डाले हुए हैं हमने, तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा, इस प्रोडक्ट को खरीद के एक्सपोर्ट कीजिए, इसमें आपको मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे और कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेम इसी तरह रेड राइस है, तो रेड राइस में भी आप काम कर सकते हैं। एक आता है इंद्रायणी राइस, तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा राइस है जिसमें आपको बिल्कुल कंपटीशन नहीं मिलेगा। वाइट राइस तो आप जानते ही हैं, अलग अलग क्वालिटी है वाइट राइस की, तो उसकी डिमांड तो मिलेगी। एक आता है सुशी राइस, अब ये सुशी राइस क्या होता है दोस्तों, जो लोग सी फूड खाते हैं, फिश ज़्यादा इंटेक करते हैं, फिश को ज़्यादा खाते हैं, मच्छी के साथ चावल खाते हैं, तो स्पेशल उनके लिए ये सुशी राइस होता है, तो यानी जहाँ पे सी फूड ज़्यादा खाया जाता है चावलों के साथ, वहाँ पे ये चावल आपका ज़रूर बिकेगा। एक और चावल है जिसकी डिमांड आ रही है, वो है पर्पल थाई राइस, तो दोस्तों ये भी एक ऐसा चावल है जिसकी डिमांड आपको बहुत ही अच्छी खासी मिलेगी। फिर उसके बाद है एक स्टिकी राइस, इसकी भी डिमांड आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और एक है बॉम्बा राइस, तो इसकी भी डिमांड आपको बहुत अच्छी मिलेगी। फिर उसके बाद है अरबोरियो राइस की डिमांड भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, मार्जिन बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर इसके बाद है सोना मसूरी,
तो दोस्तों ये भी एक राइस की क्वालिटी है, जैसा कि मैंने बताया यार 6000 तरीके की क्वालिटी है। तो ये तो ऐसी कुछ क्वालिटी हैं जिस पे अगर आप काम करोगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिर है सांबा राइस, तो यानी इसमें भी आप काम कर सकते हो। फिर है रोजमता राइस, तो इसमें भी काम कर सकते हो। फिर एक और राइस है वेलेंसिया राइस, ये भी एक बहुत अच्छा राइस है जिसकी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ राइस। अब आगे चलते हैं, अगर मुझे राइस का बिजनेस करना है, राइस को एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और सबसे पहले मुझे ये भी सेलेक्ट करना है, ये भी तय करना है कि कौन से देशों में मुझे डिमांड मिलेगी, कौन से देशों में मैं राइस को एक्सपोर्ट करूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर मुझे राइस एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी फर्म चाहिए होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा। देखिए फर्म तो आपको बनानी पड़ेगी, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, पैन नंबर लेना पड़ेगा, और अगर मैं फूड प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ तो याद रखिए फसाई लेना पड़ेगा, और वो भी सेंट्रल। सेंट्रल क्यों यार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर बिजनेस करना है किसी भी फूड और बेवरेज को, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको फसाई सेंट्रल की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद मुझे आपीडा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, यानी RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। इसके साथ के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं एक सलाह देता हूं आपको, इसके साथ आप ISO सर्टिफिकेशन भी ले लीजिए। बहुत महंगा सर्टिफिकेशन नहीं है, आसानी से मिल जाता है, बट बायर के सामने आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी कर देगा, बहुत आसानी से हमें क्या है ऑर्डर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है, अगर आपको फॉर्मेलिटीज़ हैं जो, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको राइस में ट्रेड करना है। इसके बाद बात करते हैं कि राइस को मैं कौन से देशों में एक्सपोर्ट करूं, कौन से देशों में सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है। दोस्तों अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो USA को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। USA एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। इसके बाद बात करूं तो आप ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। इसके बाद बात करूं तो इंडोनेशिया को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मलेशिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आप तो जानते ही हैं ऑलरेडी UAE में तो हमारा राइस जा ही रहा है, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज की डेट में हम UAE के, यानी UAE में सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ राइस का बिजनेस अब आप कर पाओगे, राइस का एक्सपोर्ट कर पाओगे। दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, अगर वो ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ पे लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि हाथ के हाथ इमीडिएट आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाए। तो याद रखिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करना हमें ना भूलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। सवाल पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में, आता रहूँगा, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देता रहूँगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।